वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मूसा भाई जान। मूसा भाई, इतनी तैयारी करके आप पाकिस्तान इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच देख रहे हैं, इतनी तैयारी कैसे किस लिए की है आपने? दरअसल जुनून ही एक चीज़ का नाम है और वो हमें है। बहुत खुशी हुई है पाकिस्तान मैच जीता है। पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया की खुशी होगी कि अगर वो जीतेगा हमारा पाकिस्तान जाएगा सेमीफाइनल में। तो मैं अपनी शादी से हो रहा है आपके सामने, सारी सूरत हाल है। तो बड़ी स्क्रीन पे सुकून से मैच देखेंगे। प्रे फॉर इंडिया कि अल्लाह पाक इंडिया को जिताए इस मैच में और पाकिस्तान को सेमीफाइनल में लेके जाए। आज आपकी शादी है? जी जाहरी बात है, इवेंट छोड़ के आया हूँ मैं। इतने आप क्रेजी हैं, क्रिकेट फैन हैं आप? जी बस क्या करें, अब जुनून ही ऐसा है। बचपन सारी क्रिकेट में गुजार दी, थोड़ी सी जवानी भी क्रिकेट में गुजार दी, अब जो है रैक हो गया, अब तो शादी हो गई है। आज वलीमा है? जी आज वलीमा है। तो भाभी क्या कह रही होंगी? भाभी आपसे नाराज तो नहीं हुई? नहीं भाभी ने क्यों नाराज होना, भाभी को स्कूल से छोड़ा हमने, ब्यूटी पार्लर हमने कहा रात को मैं आऊँगा मैच देख दूँ के, वो कहते ठीक है कोई बात। तो अभी आप अभी मैच तो 7 बजे ख़त्म होगा, तो आपकी शादी का वलीमा जो है वो भी 7 बजे शुरू होगा मेरे ख्याल से? वो 7:30 बजे तक हमने हाल के अंदर होना है, उसके बाद ही फिर आपके सामने सारी सूरत हाल है, रोटी शोटी है वो। अच्छा पाकिस्तान डिपेंड कर रहा है अब कि इंडिया जीतेगा तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा, आपको क्या लगता है कि जा सकता है, ऐसा हो सकता है? अगर जो इंडिया अगर जानबूझ के आ रहा तो फिर वो इंडिया वालों की गफलत है, क्योंकि पाकिस्तान से आगे वो पहले बुक्त रखते हैं। लेकिन मैं तो प्रे करूँगा कि इंडिया जीते, वो भी टीम टफ है, वो भी टीम बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन इंडिया की बहुत ज़्यादा टफ टीम है। आपने ये पॉइंट बिल्कुल सही कहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से आउट कराने के लिए इंडिया जानबूझ के आ जाए, बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं। कितने परसेंट चांस लगता है आपको वाकई ऐसा होगा, हो सकता है? अगर उनके पता होगा कि यार अगर हमने हार गए तो हमारे इज्जत के ऊपर दाग लग जाना है, लेकिन वो कभी ऐसा होने नहीं देंगे, वो कोशिश पूरी करेंगे। जितना मेरी उम्मीद है, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि इंडिया जीतेगी ज़रूर। पाकिस्तान पहले जिम्बाब्वे से हार गया था, आज नीदरलैंड से जीत गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से, बड़ा स्लो स्लो खेल के जीता है। क्या कहेंगे, हमारी बैटिंग इतनी फ्लॉप होती जा रही है? बस वो एक आया था, ओहो भाई मुझे मारो, वही वाला साहब हो गया कि इनको महंगाई के अलावा और कुछ आता नहीं है। महंगाई का सुन के ये भी लगता है पागल हो गए हैं, अपनी क्रिकेट टीम छोड़ गए हैं, मेहनत करने ये छोड़ गए। मुझे तो ये लग रहा है इनका काम है पाकिस्तान को हाई लेवल पर लेके जाएँ, रेटिंग बढ़ाए पाकिस्तान की, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। वैसे आपके पर्सनल फेवरेट खिलाड़ी कौन से हैं? मेरे फेवरेट खिलाड़ी जो हैं वो हैं भाईजान शादाब खान। शादाब खान ने आज 3 विकेटें ली हैं, चले आप तुमसे तो थोड़ा मुतमिन हो गए होंगे। जी जी मैं क्रश है वो मेरा, जैसे देख लें आप। अच्छा ये बताएं कि भाभी को भी क्रिकेट से दिलचस्पी आई है नहीं है? भाभी मुझमें दिलचस्पी रखती है, क्रिकेट में किधर रखना है तो उनको वैसे आपने क्या है कि दुआएं करें कि इंडिया जीत जाए? वो कहती है आप छोड़ो मुझे पार्लर से तैयार होने, मैंने कहा चलो आप ऐसे कर लें, मैंने कहा दुआ ज़रूर करनी है आपने। अच्छा पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में इंडिया की जीत के लिए दुआएं हो रही हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं कि इंडिया को हम कहते हैं कि हार जाए, आज हम कह रहे हैं कि जीत जाए पाकिस्तान? बस ये होता है ना, मौजे भी तो अल्लाह पाक ने दिखाने होते हैं ना, कि वो कहते हैं ना अल्लाह पाक बादशाह चिड़ी से भी बाद मरवा देता है। तो यही कैफियत है इस टाइम के, आप इंडिया के लिए ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं। अगर आप किसी और बंदे से इंटरव्यू लेंगे ना तो वो ये कहेंगे भाई हम तो इंडिया को लाइक करते हैं, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान इस जगह पे होती तो पाकिस्तान के चर्चे होने थे। अच्छा आप वैसे करते क्या हैं? मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम। और इसके अलावा आपका क्या मशागिल क्या हैं आपके? यानी क्या? टिकटॉक वगैरह या क्या? टिकटॉक बना लेते हैं, उसके बाद टिकटॉक के बाद थोड़ा काम कर लेते हैं मैकेनिकी का, फिर आपके सामने है सारी सूरत हाल, जैसे हालात है काम के बगैर गुजारा नहीं है, तो ज़्यादा टाइम काम में गुजारते हैं। तो टिकटॉकर आप हैं तो कुछ हमें सुना भी दें इस खुशी के मौके पर। नहीं मेरा गला ख़राब है आपके सामने बैठा हुआ है हला गुला कर कर के रात सारी, नहीं तो मैं ज़रूर हाजिर। अच्छा अच्छा जी। अच्छा ये बताएं कि अगर जीत गया, भाभी से कोई शर्तें नहीं लगाई हुई आपने कि इंडिया जीत गया तो मैं ये करूँगा, ये पार्टी दूंगा, वो पार्टी दूंगा? नहीं नहीं कहा है मैंने कहा अगर पाकिस्तान जीतता है, इंडिया जीतता है अगर, तो फिर हम हनीमून के लिए जाएंगे मरी सुकून से, आराम सुकून से, वेल इंटरेस्ट। इंडिया अगर हार गया तो फिर जाना ही जाना, ज़ाहरी गल है ऐसे होने को कौन टाल सकता है। फिर भी आपने जाना जाना है? जी जाना ज़रूर जाना भाई, शादी हुई है ऐसी है फिर आपके सामने। अभी वर्ल्ड कप जारी है तो इसका मतलब है आपका हनीमून साथ साथ क्रिकेट मून भी चलता रहेगा? जी ऐसे ही है, क्रिकेट भी है हनीमून भी है, अगर क्रिकेट जैसे ही ख़त्म होगा ना फिर हनीमून पे अपने निकल जाना। सही सही, पूरा महीना साथ क्रिकेट साथ हनीमून इन्जॉय हो रहा है। जी वर्ल्ड कप सुकून से हमने देखना है मरी में जाके, नरान कगान में जाके। सही सही। हाँ जी ऑस्ट्रेलिया में भी वैसे सर्दी है, वहाँ में भी सर्दी होगी, तो आपको फीलिंग वही होगी कि ऑस्ट्रेलिया में आप हैं? हम गरीब गुरबा लोग हैं, हमने कैसे जाना ऑस्ट्रेलिया मरी जाएंगे, नरान कगान जाएंगे, मौसम वेदर इन्जॉय करके आ जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि लास्ट में हमारी टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आगे जो 2 मैच होने हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तानी टीम, क्योंकि 22 करोड़ आवाम की एक ही दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे, और ये उम्मीद उनकी
पूरी होनी चाहिए, सख्त मेहनत करें, टफ से टफ काम करें। मैं तो यही कहूँगा, बाकी गॉड ब्लेस यू।